उड़ारिया के फैंस के लिए एक बेहद बैड न्यूज सामने आ रही है। उड़ारिया सीरियल जो है वो अब बंद होने जा रहा है। बीते कुछ वक्त से उड़ारिया सीरियल की टीआरपी रेटिंग काफी ज्यादा कम हो गई है और इसी वजह से फैंस जो है इसे पसंद नहीं कर रहे हैं। हालांकि जब से फैंस को ये पता चला है कि उड़ारिया बंद हो रहा है तो फैंस काफी ज्यादा उदास भी नजर आ रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आपने लॉग इन किया है पीली बीट। सीरियल उड़ारिया को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है। उड़ारिया सीरियल अब बंद होने जा रहा है। काफी वक्त तक उड़ारिया ने सभी को काफी ज्यादा एंटरटेन किया। जैस्मिन फतेह और तेजो की कहानी को सबने काफी एंजॉय किया। तेजो और फतेह की केमिस्ट्री को फैंस ने सिर आंखों पर बिठाया और अब आलम यह है कि टीआरपी जो है वो काफी ज्यादा गिर गई है, जिसकी वजह से अब मेकर्स ने ये फैसला लिया है कि अब ये शो बंद कर देना चाहिए। और देखा जाए तो कहानी काफी ज्यादा उलझी हुई भी नजर आ रही है। अगर आप सीरियल को देखेंगे ध्यान से, अगर आप शुरू से सीरियल को फॉलो करते रहे होंगे तो आप सब भी देख रहे होंगे कि कहानी जो है वो डे बाय डे काफी ज्यादा उलझती जा रही है। आपको बता दें, सीरियल खत्म होने से पहले काफी ज्यादा ड्रामा देखने को मिलने वाला है। शो में जो है वो लीप भी दिखाया जाएगा, माना जा रहा है कि 5 साल का लीप दिखाया जाएगा, जिसके बाद तेजो और फतेह की जिंदगी जो है वो काफी ज्यादा बदली नजर आएगी। और ये भी माना जा रहा है कि तेजो और फतेह की बेटी भी होगी। आप सबको बता दें कि तेजो और फतेह की बेटी भी होने वाली है। इस लीप के बाद जो है वो आप देखेंगे तेजो और फतेह की एक प्यारी सी बेटी है जो कि 5 साल की हो गई है। बात करें जैस्मिन की, तो जैस्मिन जो है वो अपने पापों की सजा जो है वो भुगतती नजर आएगी, क्योंकि उसके पापों का घड़ा भर चुका है। आप सबको मालूम ही है कि उसने काफी कुछ हरकतें की हैं और इन्हीं हरकतों की वजह से फैंस जो है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे थे इस सीरियल को, और लगातार यही कहते नजर आ रहे थे कि आखिर जैस्मिन को इतना ज्यादा क्यों दिखाया जा रहा है। जैस्मिन इतनी सारी हरकतें करने के बाद भी वो लगातार जो है वो सक्सेस हो रही है। इस बात को लेकर फैंस बहुत ज्यादा नाराज भी थे मेकर्स पर, और मेकर्स को खरी खोटी भी खूब सुनाते नजर आ रहे थे। और साथ ही साथ हर कोई यही कह रहा था कि फतेह और तेजो को साथ होना चाहिए। तो फाइनली जो है फतेह और तेजो अब साथ हो चुके हैं और जैस्मिन जो है वो भाग चुकी है बच्चा छोड़कर। आप सब देखेंगे कि जो जैस्मिन है उसको अपना कनाडा वाला सपना पूरा करना है। ऐसे में अब उसके पास एक रास्ता बचता है और वो ये कि वो इस चोरी किए हुए बच्चे को छोड़ देती है विर्क हाउस और एक लेटर छोड़ जाती है और कहती है कि वो इस बच्चे को संभाले, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो लें, और अब मैं हमेशा हमेशा के लिए मोगा छोड़कर जा रही हूँ, क्योंकि आप सबको मालूम है कि उसका सपना जो है वो पूरा होने वाला है। हालांकि उसका सपना जो है वो किस तरीके से पूरा होने वाला है ये भी आप जानते ही हैं। जो यश है वो अब किस तरीके से जो है वो जैस्मिन को सजा देने वाला है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लीप के बाद कहानी काफी इंटरेस्टिंग ट्रैक पर जाएगी और लीप के बाद फिर ये सीरियल जो है वो बंद हो जाएगा। फाइनली एक निष्कर्ष पर ये सीरियल जाकर बंद हो जाएगा, जहां पर आप सब कुछ देख लेंगे। जैस्मिन के साथ क्या हुआ है ये भी आप देखेंगे, साथ ही तेजो और फतेह की जिंदगी किस तरीके से आगे बढ़ रही है अपनी बेटी के साथ ये भी आप देखेंगे। तो कुल मिलाकर सीरियल का जो है वो काफी हैप्पी एंडिंग दिखाया जाएगा और इसी के साथ ही जो है वो फैंस जो है वो काफी ज्यादा इमोशनल होने वाले हैं, क्योंकि तेजो और फतेह की बॉन्डिंग जो है वो अभी लगातार फैंस देख रहे हैं। आप सब देख भी रहे हैं कि काफी ज्यादा रोमांटिक सीन भी देखा जा रहा है, फतेह और तेजो का दोनों इंटीमेट भी हुए हैं। और बस अब इसके बाद जो है वो फतेह और तेजो की प्यारी सी बच्ची होगी, जिसके बाद कहानी इंटरेस्टिंग मोड ले आएगी और इसके बाद फैंस जो है वो उड़ारिया को मिस करेंगे। फिलहाल फैंस के लिए बैड न्यूज़, उड़ारिया जो है वो ऑफेयर हो रहा है। हालांकि अभी जो है कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि मेकर्स की तरफ से ऐसे कोई ऑफिशियल बयान सामने नहीं आ रहा है, लेकिन जहां तक ऐसा लग रहा है सोर्सेस की माने तो कंफर्म न्यूज़ यही है कि उड़ारिया फिलहाल तो बंद हो रहा है। इस वीडियो में बस इतना ही। बॉलीवुड और टीवी से रिलेटेड खबरों के लिए फिल्मी बीट सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें।